हाय टेंथीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो यू आर वंडरिंग कि मैं कौन हूँ। तो आई एम निकिता इज हेयर टू हेल्प यू ऑल। तुम सबकी हेल्प करने आ गई हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, तुम लोग अगर शायद मुझे पहली बार देख रहे हो तो आई एम अ हाई स्कूल ग्रेजुएटेड पर्सन। मैंने अपनी 12th कर ली है एंड आज मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ 10 थिंग्स आई विश आई न्यू व्हेन आई वाज इन माय 10th। आई नो 1000 वीडियोस देखने के बाद अब तुम इस वीडियो पे भी आ गए कि अब ये क्या नया बताएगी। अब मैं तुम्हें ये तो नहीं बताने वाली कि तुम्हारे लिए बेस्ट बुक कौन से होने वाली है, बट मैं तुम्हें ये जरूर बताने वाली हूँ कि इस बुक के बिना तुम्हारा काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। अब एंड तक वीडियो देखना, इसमें सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई की बातें नहीं होने वाली है, बट कुछ ऐसी बातें जो तुम सोचोगे कि थैंक गॉड ये वीडियो हमें मिल गई। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहली बात जो कोई भी बच्चा नहीं सोचता है कि तुम्हारे इंटरनल्स कितने इम्पोर्टेंट है। वो 20 मार्क्स जो तुम्हारे 80 मार्क्स के एग्जाम को 100 मार्क्स का बनाता है, तुम्हें पता है कितने इम्पोर्टेंट है वो। तुम्हारे प्रोजेक्ट्स वर्क, योर होमवर्क्स, योर असाइनमेंट्स, इवन योर क्लास परफॉर्मेंस। क्लास टीचर के साथ तुम जितनी भी मर्जी बदतमीजी कर लो, लेकिन लास्ट में तुम्हारे साथ बदतमीजी करके ही जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, ये चीज मेरे साथ तो होती ही नहीं देखी, बट मैं क्लास के बच्चों के साथ ही जरूर हुई थी। बच्चे लिटरली टीचर के आगे बैग कर रहे थे कि हमें मार्क्स दे दो यार, बिकॉज ऑफ कोर्स तुम लोग एक श्योरिटी हो जाती है कि यार चलो बोर्ड्स में जितना भी हो बट हमें 33 तो लाने ही है। तो मैं नहीं कह रही कि तुम्हें 33 ही लाने हैं, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं, तो इन चीजों पे बहुत ज्यादा सीरियस होके काम करो। प्रोजेक्ट्स चाहिए तो वो कमेंट कर देना, प्रोजेक्ट्स दे दूंगी अपने 10th के, बट ट्रस्ट मी प्रोजेक्ट्स को काफी अच्छे से बनाना। अब एक बात, 9th में शायद तुमने पढ़ाई ना करी हो बट 10th में करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यार आगे 12th भी है। एंड वट आई विल से कि अब जैसे तुम 11th में जाओगे तो तुम अपनी स्ट्रीम चूज करोगे, साइंस, कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज, तो तुम्हें काफी नई चीजें देखने को मिलेगी जो भी तुमने 10th में, 9th में, 8th में पढ़ा है, उसमें से एक भी चीज सिमिलर या फेमिलियर नहीं मिलेगी तुम्हें तुम्हारी 11th या 12th में। तो अभी से ही अपना स्टडी हैबिट्स को डेवलप करो, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि नोट्स बनाना स्टार्ट करो। नोट्स नहीं बनाने आते, वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो वीडियो लेक्चर देखते देखते जो भी वो सामने बोर्ड पे लिख रहे हैं तुम्हारे टीचर, उसी को नोट डाउन करो। एंड ट्रस्ट मी यू विल एंजॉय योर स्टडिंग। जो तुम जितना लिखते हो ना यार, तुम उतना एंजॉय करते हो, बिकॉज तुम्हारा माइंड उतना एक्टिव होता है। तो जितना अच्छा पहले के बच्चे मैंने सुना है, जब मैं 10th में थी ना, मुझे बिल्कुल नोट्स बनाने नहीं आते थे। एंड जो टॉपर बच्चे होते थे ना, वो मुझे बोलते थे यार लिख लिख के याद करने में कितने मजे आते हैं, और मैं यहाँ रट्टे मारने वाली बच्ची, मैं रट्टे मारती थी सीरियसली। एंड मैं सोचती थी यार मतलब लिख के कोई कैसे याद कर सकता है। फिर मैंने दिमाग चलाया, मैं भी थोड़ा उनके साथ लिखने लगी, ऐसे होता है ना देखा देखा करने लगते, तो मैंने भी वो चीजें करी। एंड मुझे पता चला कि हाँ सच में नोट्स बनाना चाहिए। अब काफी बच्चे बोलते हैं कि दीदी बोर्ड्स हैं आंसर्स कैसे लिखे। तो आंसर लिखने की प्रैक्टिस भी तुम्हारी नोट्स मेकिंग से ही होती है। एनसीईआरटीज को पढ़ो, एनसीईआरटीज मैं तुम्हें बताऊं एनसीईआरटी ही तुम्हारी पेपर में आएगी। एंड अगर तुमने मैथ्स बेसिक लिया है तो तुम अपनी मैथ्स की बुक को, दैट इज योर एनसीईआरटी की बुक, उसके एक एक क्वेश्चन को रट लो इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि तुम्हें पता है यार अरे ये क्वेश्चन है, इसका तो आंसर ये है, चलो सॉल्व कर देता हूँ। फॉर्मेलिटी करनी है तुम्हें सॉल्व करने की, क्योंकि हमारे बेसिक के एग्जाम में, दैट इज मैथ्स का बेसिक एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में एज इट इज सारे क्वेश्चन उठकर आए थे एनसीईआरटी बुक से। यहाँ पे कॉपी पेस्ट, बिल्कुल मेहनत नहीं करी थी सीबीएसई वालों ने। टाइम मैनेजमेंट, अब तुमने इतने एग्जाम्स दिए होंगे या तुम्हारे एग्जाम्स अब आ रहे होंगे, दैट इज योर पीए, पीटीज वन जो भी होता है, अब तुमने वो एग्जाम्स दिए या दोगे। काफी बच्चों के एग्जाम्स छूटे होंगे एंड शर्त लगा लो छूटे होंगे, क्योंकि तुम्हें टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता। एंड बोर्ड के टाइम पे या 10th में या तुम्हारी 12th में, इवन इन योर 11th, तुम्हें लंबे लंबे आंसर्स लिखने होते हैं, दैट टू इन पॉइंटर्स।
रटे रटाए क्वेश्चन यहाँ नहीं चलते हैं, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि ये क्वेश्चन तो हमने बुक में देखा ही नहीं, बट टॉपिक तुम्हें पता होगा, तो तुम सोच रहे होगे पेपर में कि यार लिखना क्या है इसमें या कितना लिखना है। तो प्लीज टाइम मैनेजमेंट भी सीखो, घर से राइटिंग प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो, स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स, स्टार्ट बिल्डिंग योर कैपेसिटी टू राइट मोर इन लेस टाइम। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है पॉइंट नंबर दिस, नेटवर्किंग, योर सोशलाइजिंग। ये चीज है ना, हम आफ्टर ट्वेल्थ या इन ट्वेल्थ सोचते हैं कि शायद ये जरूरी होगा, बट ट्रस्ट मी गाइज, ये टेंथ में इतना जरूरी है टू नेटवर्किंग, टू सोशलाइज योर सेल्फ। बिकॉज क्या होता है ना कि तुम जितने अच्छे लोगों में बैठोगे, जितनी तुम टीचर्स के साथ क्लोज होगे, उतना तुम्हें पता चलेगा कि हाँ हमारे बोर्ड एग्जाम में ये आएगा। बिकॉज यू नो वॉट, तुम्हारे टीचर्स बोर्ड एग्जाम में चेकिंग करने जाते हैं एंड दे नो कि कैसे आंसर्स उन्हें पसंद आते हैं एंड कैसे नहीं। तो तुम अपने टीचर्स के बहुत क्लोज हो, तुम टॉपर बच्चों के साथ बैठो, उनकी बातों में मत आओ, बट प्लीज उनके साथ बैठो, क्योंकि वो जो चीजें करते हैं ना तुम्हें नहीं पता, लेकिन लास्ट में उन्हीं चीजों से उनके मार्क्स इंक्रीज होते हैं। ऐसा नहीं है वो ज्यादा रट कर आते हैं, बट उनकी ऐसी वाइब होती है, दे नो हाउ टू मेक द टीचर हैप्पी, उन्हें पता है आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने हैं एंड कैसे टीचर को खुश करना है। एंड प्लीज अकेडमिक में बिल्कुल भी मत करना कि ये एग्जाम्स तो काम ही नहीं आएंगे, हम तो बोर्ड एग्जाम में पढ़ेंगे, हम तो उसी में अच्छे आंसर्स लिखेंगे। अगर तुम इस एग्जाम में नहीं कर पा रहे ना, तो ट्रस्ट में तुम बोर्ड में भी नहीं कर पाओगे। बिकॉज अभी तो तुम्हें दो या चार चैप्टर्स आ रहे हैं, बट बोर्ड्स में तुम्हारी पूरी बुक आ रही है एक दो चैप्टर को छोड़ के। तो प्लीज इन बोर्ड्स में, इन एग्जाम्स में भी ज्यादा ध्यान दो एंड बोर्ड्स पे साथ के साथ प्रिपरेशन कर। ट्राई टू कम्प्लीट योर सिलेबस टिल अक्टूबर, अक्टूबर तक अपना पूरा सिलेबस कम्प्लीट करो, एग्जाम वाइज अपनी रिविजन स्टार्ट करो। एंड ऐसा होना चाहिए कि फेब या जनवरी तक तुम लोग अपनी एनसीईआरटी को 6 to 7 टाइम्स पढ़ चुके हो। एंड यहाँ पे अपना कमेंट कर देना, कमेंट करते रहो, ठीक है, एडिट करते रहना कि हमने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ताकि तुम लोग भी देखो एंड आपस में बच्चे भी देखे, कंपटीशन फील होता है, तुम्हें एक अच्छे ग्रुप्स मिलते हैं यहाँ पे भी एंड बहुत अच्छा लगता है यार। अब इतना सब सुनने के बाद तुम्हें लग रहा है भाई पढ़ना ही पढ़ना है क्या? नहीं यार, तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटी देना है। एंड मेंटल हेल्थ पे प्रायोरिटी देने का मतलब ये नहीं होता पार्टी करे, बाहर जाए दोस्तों के साथ, गेड़िया मारे, दिस इज नॉट व्हाट यू वांट। प्रायोरिटी और मेंटल हेल्थ विद गुड पीपल है। जिस दिन तुम्हारे मार्क्स आएंगे ना, उस दिन वो लोग रो रहे होंगे और तुम लोग खुश होकर पार्टी करोगे। तो इस टाइम पर अपने आप को आइसोलेट भी नहीं करना है। आई एम नॉट सेइंग आइसोलेट कर लो अपने आप को, नेवर नेवर डू दिस, बट हैव अ गुड फ्रेंड्स, हैव अ गुड ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत अच्छी वाइब में, जिससे कि तुम लोगों को ऐसा हो ना कि यार अब तो मैं पढ़कर थक गया, अब जैसे तुम बाहर जाओगे, ओ माय गॉड आई फील फ्रेश एंड नाउ आई फील मोटिवेटेड टू स्टडी मोर। ऑल्सो बेस्ट चैनल्स मैं लिंक कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देखना मत भूलना एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज भी करना मत भूलना। अगर कोई डाउट है कॉमेंट्स में बताओ। एंड आई डोंट नो कितने पॉइंट्स हो गए, बट लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूज सैम्पल पेपर्स, अच्छे सैम्पल पेपर्स। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ओसवाल, एड्यूकार्ट, अरिहंत, इनके सैम्पल पेपर्स आर द बेस्ट 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 सैम्पल पेपर्स। एंड तुम लोग ऑनलाइन भी काफी सारे फ्री सैम्पल पेपर्स ढूंढ सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं वो भी डालूं तो कमेंट कर देना, मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे वो पोस्ट कर दूंगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक तुम लोगों को, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना। क्योंकि क्या होता है ना यार, ऐसा होता है कि हम लोग बुक्स खरीदने में लग जाते हैं, बट हमें नहीं पता कितना फ्री रिसोर्सेज हमारे पास, फ्री स्टडी मटेरियल हमारे पास गूगल पे पड़ा हुआ है, बट हम उसे यूज करना ही भूल जाते हैं। समझ गए हो, बस अब पढ़ने बैठ जाओ, वीडियोस देखना बंद कर दो। बिकॉज ऐसी वीडियोस देखने से तुम्हारा मोटिवेशन तो इंक्रीज होता है, बट तुम्हारी स्क्रीन टाइम भी इंक्रीज होती है। तो तुम्हें स्क्रीन टाइम नहीं, अपना प्रोडक्टिविटी टाइम इंक्रीज करना है। एंड आई होप तुम लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियोस रोज आती है मेरे चैनल पे। एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। कोई भी डाउट है कमेंट में बताओ एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।